निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि संगठन का प्रतिनिधि हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझको दिल्ली भेजा है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद मिला है, जिनकी वजह से मुझे राज्यसभा भेजा गया है। इस तरह मैं संगठन का एक प्रतिनिधि हूँ। संगठन मुझे जो भी दायित्व देगा उसको पूरा किया जाएगा। संगठन जिन भी मुद्दों को मुझसे राज्यसभा में उठवाना चाहेगा उसको पूरा किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश की जो भी समस्या होगी उसको सदन में उठाया जाएगा। जो भी शीर्ष नेतृत्व मुझे जिम्मेदारी देगा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करूंगा। उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं गोरखपुर की जनता को देता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे 20 सालों से अपना आशीर्वाद दिया है, जिनकी वजह से 20 साल विधायक रहा। गोरखपुर की राजनीति व जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। अब राज्यसभा सांसद बन गया हूँ, वह भी जनता की देन है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, कहाँ गए? वो भी दिख रहे थे आप सब कहाँ है? देखिए, मैं तो पहले आपको धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने एक निष्पक्ष न्यूज चैनल की तरह जब से आप आए हैं, आपने मेरे काम को, मेरे विचारों को बिना किसी पूर्वाग्रह के और खुले दिल से जनता के बीच में पहचाने का काम किया है। तो मैं बाकी तो जो भी कहूँगा पहले आपको आभार प्रकट करूँगा। अब आप पूछिए, क्या करेंगे? देखिए, अब मैं संगठन का प्रतिनिधि हूँ, भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्मानी नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझको दिल्ली लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, संगठन शास्त्र के अद्भुत शिल्पी भाई अमित शाह जी ने मुझको आशीर्वाद दिया है। अपनी सौम्यता और मृदुलता के लिए पहचाने जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने मुझे अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और संगठन मर्मज्ञ उत्तर प्रदेश के महामंत्री सुनील मंचल जी की छाया तले में बढ़ा हूँ। तो अब मैं संगठन का दिल्ली में प्रतिनिधि हूँ। संगठन जो भी दायित्व दे उसे पूरा करना है। संगठन जिस भी मुद्दों को मुझसे राज्यसभा में उठवाना चाहे उसे पूरा करना है। उत्तर प्रदेश के जो भी समस्याएं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मुझे निर्देशित की जाए, सदन में उठाना है तो ऑफिस के लेकर फाइलों में दौड़ना है, तो वो सब मुझे करना है। और संगठन जिस भी प्रकार की जिम्मेदारी संगठन ने मुझे चुना है, संगठन का मैं प्रतिनिधि हूँ। इस नाते संगठन जो भी जिम्मेदारी छोटी से छोटी दे, प्रज्ञा प्रमुख की दे वो बड़ी से बड़ी दे, हर जिम्मेदारी को समभाव से पूरी निष्ठा और पूरी सफलता के साथ संपादित करना है। ये सब मेरा काम है और यही मैं करूँगा। जनता के लिए क्या करना चाहिए? मेरे पास शब्द नहीं है नागरिकों के लिए। गोरखपुर लोकतंत्र की एक प्रयोगशाला थी, मैंने अपने आप को उस प्रयोगशाला की भट्टी में जलाने का काम किया था। मैं 20 साल से विधायक हूँ। जब मैंने अपने रास्ते पर शुरुआती दौर पर चलने पर प्रयास किया 2002 में, तो बहुत से लोग मुझको समझ नहीं पा रहे थे। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो राजनीति पिछले 20 सालों में गोरखपुर की हुई है और जिस प्रकार से जनता ने अपने बड़प्पन का परिचय दिया है, शायद ही इस प्रकार की राजनीति कहीं हुई हो, शायद ही इस प्रकार के नागरिक कहीं हुए। मैंने कभी किसी को कोई पैसा नहीं दिया, इसलिए क्योंकि किसी ने मांगा नहीं। मैंने कभी किसी का गलत काम नहीं किया, इसलिए कि कोई नागरिक मेरे पास गलत काम कराने आया नहीं। मैंने कभी जातिवाद नहीं किया, क्योंकि हमारे नागरिकों ने जाति धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके ऐतिहासिक मतों से मुझे हमेशा विजयी बनाया है।
सोचिए, पहला चुनाव में 18,000 से जीता, दूसरे में मेरी मार्जिन 28,000 थी, तीसरे में 48,000 थी, और चौथा चुनाव 17 में मैं 62,000 से जीता, जब मैंने घर से प्रचार नहीं किया था, कहीं नुक्कड़ सभा नहीं की थी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जो एक अलग प्रकार की राजनीति कर रहा था, गोरखपुर के नागरिकों ने अपने दिल में बैठाया, मैं उनके परिवार का हिस्सा बना। इस नगर के जितने पुरुष वर्ग के लोग चाहते थे, उससे अधिक महिलाओं ने मेरा साथ दिया, बच्चों ने, नौजवान बच्चों ने मेरा साथ दिया, और मैं कह सकता हूँ कि पूरी भारत के लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, उनको गोरखपुर में आकर के देखना चाहिए कि जनता वास्तव में अपने राजनेता से अपेक्षा क्या करती है। आज मैं अगर दिल्ली पहुँच रहा हूँ राज्यसभा में, तो इसके जो असली ताकत है वो जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है। हमारी पार्टी जानती है कि गोरखपुर के नागरिक 20 साल के अपने इस विधायक को कितना अधिक प्यार करते हैं। आज वो मुझे वहाँ अवसर दे रहे हैं, इस अवसर के पीछे हमारे नागरिक की ताकत है, और इसलिए मैं अपने नागरिकों के प्रति हमेशा एहसानमंद रहा हूँ। आज मैं उनका विधायक नहीं रहूँगा, उनका सांसद नहीं रहूँगा, राज्यसभा में भाजपा का सांसद रहूँगा, लेकिन किसी भी पद पर मैं रहूं, उनके दायित्व का निर्वहन करता हुआ, उनकी समस्याओं का समाधान करता हुआ मैं आपको हमेशा मिलूंगा। आज भी किसी नागरिक से मेरी कोई दूरी नहीं स्थापित होगी।